वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सैफ शॉपिंग टीवी। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप अपने वेबसाइट की जो है, आपने डोमेन जो है बाय की है गोडैडी से, यानी कि किसी भी जगह से आपने जो है डोमेन बाय की है, उसको अपनी वेबसाइट के साथ, अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के साथ जो है कनेक्ट कैसे करेंगे, यानी वो तो कनेक्ट कस्टम डोमेन विद ब्लॉगर साइट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपका भाई आप लोगों को मुकम्मल गाइड देगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा मेरी वीडियो देख के, आप बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएंगे मेरी वीडियो को वॉच करके, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह वॉच करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद फ्रेंड माई चैनल, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है जहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट लिखें ताकि हमें पता चले किस दोस्त ने जो है हमारी वीडियो को वॉच किया है, ठीक है। तो आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट के साथ जो है कस्टम डोमेन कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको जो है गूगल सर्च कंसोल में भी कैसे ऐड करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह यानी कि सब डिटेल इसके आज की इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो चल दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने जो है गोडैडी से एक डोमेन बाय कर रखी है। अगर आपको नहीं पता कि डोमेन कैसे बाय करते हैं, मुझे कमेंट करें ताकि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, ताकि मैं इस पर वीडियो बनाऊं और आपको मुकम्मल डिटेल बता सकूं कि गोडैडी से जो है डोमेन कैसे बाय की जाती है। तो अगर आप लोग, आपके पास इसके लिए वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड का होना ज़रूरी है, अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप मुझे बता सकते हैं और मुझे जो है व्हाट्सएप करें, मैं आपको डोमेन बाय करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये था कुछ स्टेप। अब हम जो है इस डोमेन को लगाएंगे अपने ब्लॉगर के साथ, अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो माय प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा अगर आपने डोमेन बाय की है तो, ठीक है। तो इस तरह करने के बाद जो है आप लोगों ने है सेटिंग ब्लॉगर की, अपनी ब्लॉगर में आ जाना है, ब्लॉगर डैशबोर्ड पे सेटिंग पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जी, जहाँ पे आप ऑप्शन मिल जाता जी कस्टम डोमेन का। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जो आपने डोमेन बैक की है उसको जहाँ से करेंगे कॉपी, यानी ये मैंने ये वाली जो है स्टोर जॉब डॉट ऑनलाइन ये वाली जो मैंने कॉपी की है जी, सबसे पहले आप लोगों ने www ज़रूर लिखना है, ठीक है, www.stjob.online, ठीक है, stjob.online जो है मैंने डोमेन बाय की है गोडैडी से। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो जैसे ये देखें www.stjob.online, इसको मैं जैसे सेव करूंगा तो आपके सामने इरर आएगा, उस इरर को सोल्व करेंगे तो फिर अपनी जो डोमेन कनेक्ट होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग द सी नेम, सी नेम क्या है www, ठीक है, सी नेम क्या है, जहाँ पे DNS पे क्लिक करना है आप लोगों ने, सेटअप के आगे जो आपको ऑप्शन मिल रहा है तो उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नेम मिलेगा, जहाँ के देखें सी नेम www, जहाँ पे क्या देख रहा है सी नेम डेस्टिनेशन www, ठीक है, इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है gh.google.com, इसको कॉपी करेंगे और www के सामने जो store.online जो लिखा हुआ है इसको एडिट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप www को नहीं छेड़ना, जहाँ पे सिंपली आप लोगों ने जो कॉपी किया था वो पेस्ट करना है और सेव पे क्लिक करना है। तो इसी तरह सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका www वाला सी नेम जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है जी, एंड नेम, आगे मतलब कि दूसरे सी नेम में आप लोगों ने ये वाला जो है लगा देना है, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, जहाँ से कॉपी करने के बाद जो है जहाँ पे सी नेम जो आपको दिख रहा होगा इसको आप लोगों ने एडिट करना है, ठीक है। तो जैसे आप एडिट करेंगे नेम जहाँ पे आपको दिख रहा है इसको करेंगे, मतलब कोई डिलीट करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, इसके सामने जो वाली का ऑप्शन होगा इस पे इसको करेंगे पहले वाले को डिलीट, जहाँ पे डेस्टिनेशन के सामने एक और जो है आप लोगों को जो है मिल जाएगी डेकोरेशन जो है, आप लोगों ने सिंपल ही इसको कॉपी करके जहाँ पे पेस्ट कर देना है, फिर ही जो है सिंपल सेव पे क्लिक करेंगे, सक्सेस योर DNS रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो आपका जो है DNS का जो है रिकॉर्ड है सक्सेसफुली जो है मतलब के चेंज हो गया, यानी कि ये कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी डोमेन आप ब्लॉगर से कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी, नॉट अपडेट सेटिंग, ठीक है। तो थोड़ा आपके सामने थोड़ी सी देर भी लग सकती है इसमें, मतलब कि कोई बात ऐसी नहीं है,
तो थोड़ी सी देर लगती है, फिर आपकी सेटिंग जो है सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर पहली बार ना सेव हुई तो अगली बार जो है इंशाल्लाह, जैसे देखें मैंने कहा ना भी थोड़ी सी 2-3 सेकंड वेट कर किया करें, ठीक है। तो जहाँ पे देख सकते हैं कस्टम डोमेन www.stored.job.online जो है लगा दिए, जहाँ पे रीडायरेक्ट डोमेन इसको आप लोगों ने टिक को है जो ऑन कर लेना है, ठीक है। तो जहाँ पे हम जो HTTPS इस पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे जो आपको ऑप्शन जो ऑफ हो रहा है इसको ऑन करेंगे, ठीक है। ऑन करने के बाद जो है स्टेटस आप देख रहे हैं अननोन लिखा हुआ है, तकरीबन 4-5 मिनट में जो है, जैसे ही आप 4-5 मिनट बाद जो है अपने ब्लॉगर को विजिट करेंगे तो आपका ब्लॉग जो है दिखने में यानी कि विजिबल हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे मैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक जो है इस पे नो इंटरनेट का इशू आएगा, यानी दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है। तो यानी कि ये गूगल में अभी तक ऐड नहीं हुई है, इंडेक्स नहीं हुई है, जहाँ पे HTTPS अवेलेबिलिटी अननोन लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप 5-6 मिनट के बाद जो है तकरीबन 2-3 मिनट के बाद जो है इसको विजिट करेंगे अपनी वेबसाइट को, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को आपकी जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो जैसे ही मेरी डोमेन कनेक्ट होगी तो मैं एक और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी डोमेन अब कनेक्ट हो चुकी है, अब इसको हम गूगल सर्च कंसोल से गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा भाई को। तो अल्लाह ताला आपको भी जो है मेरी वीडियो को वॉच करने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब किया।